दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब वाइड के लिए कार्तिक ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार किया रिव्यू का इस्तेमाल, तो उनकी और अंपायर की हरकत देखकर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का भी गुस्सा फूट पड़ा था। यहाँ तक कि दूसरी तरफ किंग कोहली ने जो किया वह देखकर अब कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तो आखिर कैसे दिनेश कार्तिक ने कर दिया धोनी की नाक में दम? ऐसा क्या किया उन्होंने लगातार तीन गेंद पर जिनकी हरकत देखकर कोहली और धोनी भी दंग रह गए? उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कार्तिक और धोनी में कौन सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का पहला ही मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा है। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए जिन्होंने फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। मुस्तफिजुर की बेहतरीन गेंदबाजी, डुप्लेसी की खतरनाक बल्लेबाजी और फिर अनुज रावत के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक की खतरनाक वापसी ने फैंस को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। लेकिन इसी दरमियान दाकर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक ने कुछ ऐसा किया जिसने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और धोनी तो बीच मैदान में ही लड़ाई करने पर उतारू नजर आने लगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पांच विकेट गिरने के बाद भी दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने मार मार कर चेन्नई के गेंदबाजों को नानियां दिला दी। इसी दरमियान 19वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान के आखिरी बाउंसर पर दिनेश कार्तिक बीट हो जाते हैं, लेकिन तभी दिनेश कार्तिक ने उस गेंद पर वाइड के लिए रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया और जब थर्ड एम्पायर ने उस गेंद को वाइड करा दिया और दिनेश कार्तिक के फैसले को सही साबित किया, ये देखकर धोनी भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। वह कार्तिक और एम्पायर के निर्णय से खुश नहीं थे। हालांकि यहाँ तक तो सब कुछ सही था, मामला शांति से निपट गया, लेकिन हद तो तब हुई पारी के 20वें ओवर में। गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे जिन्होंने पहली गेंद पर एक और वाइड फेंक दी जिसे एम्पायर ने वाइड करार भी दिया। दूसरी गेंद पर वह सही ठिकाने पर बॉलिंग करना चाहते थे, लेकिन दिनेश कार्तिक जब दो कदम आगे निकले तो उनसे बचने के लिए गेंदबाज ने बहुत दूर गेंद फेंकी जिस पर कार्तिक कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। लेकिन दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह रिव्यू का फैसला किया। एक बार फिर देखकर महेंद्र सिंह धोनी के होश उड़ गए, क्योंकि लगातार ये दूसरी बार था जब कार्तिक ने इसी तरीके की हरकत की थी और दोबारा वही कहानी दोहराई गई और इस बार भी एम्पायर ने कार्तिक का साथ दिया और उस गेंद को वाइड करार दे दिया। तो धोनी की भी फूटी आंख नहीं भाया, महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा देखने लायक था। लेकिन ये मामला इतने में ठंडा नहीं हुआ, एक बार फिर तीसरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने यही गलती की और दोबारा से दिनेश कार्तिक ने रिव्यू का इस्तेमाल किया। यानी कि लगातार तीन गेंद पर कार्तिक ने तीन बार रिव्यू का इस्तेमाल वाइड क्लिक कर लिया। हालांकि इस बार उनकी चालाकी कामयाब नहीं हुई और उन्होंने अपने दोनों रिव्यू बर्बाद कर दिए। लेकिन जिस तरीके से वह चेन्नई के समय का बर्बाद कर रहे थे और वाइड के लिए बार बार रिव्यू का इस्तेमाल कर रहे थे, वह देखकर महेंद्र सिंह धोनी का पारा भी सातवें आसमान पर नजर आ रहा था। वह उनके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ किंग कोहली तो पवेलियन में बड़े बड़े खूब मजे ले रहे थे और उनकी हंसी देखने लायक थी। तो दोस्तों, दिनेश कार्तिक की सरकत पर आप क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने सही किया? बेंगलुरु और चेन्नई में आप किसे आईपीएल 2024 का चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं? अपने राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही नई नई खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।